नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से मैं शिखा बंदराल जनरल सेक्रेटरी आज हम यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पे आज जो आम आदमी है उसकी समस्या के लिए यहाँ पे आज अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी पार्टी के माध्यम से कि आम आदमी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको राशन कार्ड की समस्या का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ा है। ये समस्या जो है ये बहुत ही देर से जो है सुलझाई नहीं जा रही है क्योंकि हमारा जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे DC जम्मू हैं और जितने हमारे DIVCOM के अफसर हैं उनको कहीं ना कहीं आम आदमी की जितनी भी मुसीबतें हैं वो उनको नज़रअंदाज करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से कि जितनी भी आम आदमी की समस्या है राशन कार्ड को लेकर, चाहे वो BPL हो, APL हो या राशन कार्ड की समस्या है, उनको राशन कम मिल रहा है, तो उन समस्या के ऊपर कब LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी बात रखेगा और कब LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई खुशखबरी जो आम आदमी लोगों को मिलेगी। राशन कार्ड की जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि BPL में जिन लोगों के नाम कट चुके हैं, जो टेक्निकल फॉल्ट में आ चुके हैं, उनमें आम आदमी का और गरीब लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। वो सारे टेक्निकल फॉल्ट जितने भी हुए हैं वो सरकार की तरफ से हुए हैं और आम आदमी उन सब चीज़ों में पिसता जा रहा है क्योंकि जब तक BPL की लिस्टों में दोबारा उनका नाम नहीं आएगा तब तक उनको राशन नहीं मिलेगा, तब तक उनकी बिजली के जो बिल हैं उनमें थोड़ा उनकी माफ़ीनामा नहीं होगा, उनके माफ़ नहीं किए जाएंगे बिजली के बिल। तो हम यही कहना चाहते हैं अपनी पार्टी के माध्यम से कि जितनी जल्दी हो सके LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, DIVCOM को भी इसके लिए आगे आना चाहिए कि आम आदमी की जो राशन की समस्या है, अगर एक आम इंसान के पेट में राशन की तरफ से आज सरकार की तरफ से जो उसे राशन मिलता है वो उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं जाएगा तो वो किस तरह वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करेगा। और जब तक BPL में जब तक उनका नाम वापस नहीं आएगा तो तब तक वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं अपने घर का, रोज़मर्रा की जितनी मुसीबतें उनको राशन की वजह से हो रही हैं उसके लिए सरकार क्यों अपनी आँखें मूंद के बैठी हुई है। आज हम अब नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से यही मांग रखना चाहते हैं कि राशन कार्ड की समस्या जितनी जल्दी सुलझाई जा सकती है उतनी जल्दी सुलझाई जाए और जितने हमारे भाई बहन हैं जम्मू कश्मीर के जिनको राशन कार्ड की समस्या की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनकी सुनवाई हो। हम अपनी पार्टी की तरफ से आज यही अपील करते हैं और हम यही चाहते हैं कि राशन कार्ड फिर से बनना शुरू हो जाए और राशन कार्ड जिनके बंद हो चुके हैं या BPL के जिनके नाम कट चुके हैं उनके नाम फिर से राशन कार्ड की लिस्टों में डाले जाएँ। धन्यवाद।